गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर अकेडमी। आज फिर हम PYQ नंबर 5 आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। और बच्चों, मैंने बात की थी आपसे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेगुलर बेस पे इवनिंग टाइम में करेंगे। तो बच्चों, आज हमारे जो क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, NDA 2017 के फास्ट का क्वेश्चन है। NDA 2017 के फास्ट का क्वेश्चन है जिसको कि हम देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फतेहपुर सिकरी इज नॉट करेक्ट। इन्होंने पूछा है कि फतेहपुर सिकरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब बच्चों, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं कि फतेहपुर सिकरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, तो देखो बच्चों, फतेहपुर सिकरी को कैपिटल किसने बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी को कैपिटल बनाया था। और यहाँ पे अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाई थी। और ये हमने जब मुगल एम्परर कर रहे थे तो उस समय हमने किया भी था। अकबर का टाइम पीरियड एक्चुअल में बच्चों 1556 से स्टार्ट होके टाइम पीरियड अकबर का चलता है हमारे यहाँ पे करीब करीब 1605 तक, 1605 तक। तो उस टाइम पीरियड में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण करवाया और इसको कैपिटल भी बनाया। तो बच्चों, इसके बारे में जो स्टेटमेंट पूछी गई है, जो स्टेटमेंट इन्होंने हमें दी है, फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, इट वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। बच्चों, इसमें नोट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो जो पहली स्टेटमेंट रहेगी वो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। यानी कि ये डायरेक्ट किस रोड पे है? अजमेर रोड के ऊपर है। और दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, अकबर कमीशन द बिल्डिंग ऑफ ए मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द फ्राइडे मॉस्क्यू एट द फतेहपुर सिकरी। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने निर्मित करवाई थी। एक्चुअल में अकबर जो थे, जब हुमायूं भारत से गया, यानी कि हुमायूं जब हार गया था भारत से, और अकबर का जन्म 1542 में जिस राजा के घर पे हुआ, वहां पे जब इसका जन्म होता है अमरकोट के राजा अमर सिंह के घर पे, तो ये बोला जाता है हुमायूं के द्वारा कि अकबर शेख सलीम चिश्ती की ही देन है, और इसी के लिए जब अकबर राजा बनेगा तो राजा बनने के बाद अकबर यहाँ पे बच्चों मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद का निर्माण भी करवाएगा, टॉम मकबरे का निर्माण भी करवाएगा। तो बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी राइट रहती है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं बच्चों, द आर्चिड गेटवे ऑफ बुलंद दरवाजा वाज मेंट टू रिमाइंड विजिटर ऑफ द मुगल विक्ट्री इन गुजरात। बच्चों, ये स्टेटमेंट भी आपकी पूरी तरह राइट है। मैंने बताया था आपको कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था फतेहपुर सिकरी में, और वहां पे जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी लगवाई गई, यानी कि उनके स्कल्पचर भी लगवाए गए बुलंद दरवाजे के बाहर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी। अब बच्चों, फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। इन 1585 द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शिफ्टेड फ्रॉम फतेहपुर सिकरी टू दिल्ली। बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत रहेगी, क्योंकि कैपिटल को कहां से शिफ्ट किया गया था? दिल्ली से फतेहपुर सिकरी शिफ्ट किया गया था, ना कि फतेहपुर सिकरी से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट पूछी गई है नॉट करेक्ट। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनडीए 2017 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए के 2017 के एग्जाम में, जो कि हमारा अप्रैल में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। कि भाई, इन्होंने पूछा कि कौन सा काउज 1857 की क्रांति से रिलेटेड नहीं है। और जब बच्चों हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हमने कवर किया था। अब बच्चों, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए हमने अलग अलग चीजों को कवर किया था कि इसके कारण क्या क्या रहे, जिस प्रकार पॉलिटिकल काउजेस थे, इकोनॉमिकल काउजेस थे, सोशल काउजेस थे, रिलीजियस काउजेस थे, और लास्ट में हमारा पिग और काउ का मतलब, जो कि बीफ जिसको लेके कि हम चर्बी वाले कारतूस बोलते हैं, चर्बी वाले कारतूस को लेके ये क्रांति की चिंगारी स्टार्ट हुई, तो वो हमने कवर किया। अब इसमें देखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट कौन सी हमारी नोट रहेगी, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं रहेगी। तो बच्चों, जब इस पे हम जाते हैं, द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग्स इनटू द फो बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। बच्चों, ये स्टेटमेंट जो रहेगी पूरी तरह राइट स्टेटमेंट रहेगी। एक्चुअल में रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने
पुरानी ब्राउंसवेन राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल का यूज किया था, और जब नई एनफील्ड राइफल का यूज किया तो उसमें बच्चों कहा गया, एक्चुअल में ये अफवाह थी, और इस अफवाह में जो मंगल पांडे वगैरह या फिर जो हमारे सोल्जर रहे हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनके अंदर एक अफवाह फैल गई कि जो बुलेट यूज किए जा रहे हैं एनफील्ड राइफल में उनको मुंह से ऊपर से छीलना पड़ता था, यानी कि पहले छील के फिर हम राइफल में यूज कर सकते थे, तो जिसकी वजह से ये अफवाह फैली कि इनके ऊपर गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बात से भड़क गए। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपकी ए स्टेटमेंट पूरी तरह राइट रहती है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड एंड ऑन द सेंचुरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23rd June 1857। देखो बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह राइट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? June 1757 में, और June 1757 के बाद June 1857 में पूरी एक सेंचुरी यानी कि पूरे 100 साल बीत चुके थे। तो हमें क्या देखना, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी राइट रहती है। इसके बाद बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। पॉपुलर डिस्कंटेंट विद ब्रिटिश रूल, ये भी बच्चों स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी। अब बच्चों हमारे पास बचती है एक ही स्टेटमेंट। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं, द प्रोफेसी दैट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द कलयुग एंड द रिटर्न ऑफ द राम राज्य। बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है कि 1857 से पहले यहाँ पे क्या चल रहा था, कलयुग चल रहा था, और 1857 की क्रांति हुई उससे कलयुग का अंत हो गया, और कलयुग का अंत होने के बाद कौन सा राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। तो बच्चों ऐसा हमें नहीं दिखाई देता, एक्चुअल में ब्रिटिश कंपनी जिसको हम द ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे थे उसका प्रशासन खत्म कर दिया गया था और हमें डायरेक्ट महारानी के अंडर में कर दिया गया था। तो बच्चों ये हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट रहेगी ये गलत रहेगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी बच्चों एनडीए 2017 के फास्ट यानी कि अप्रैल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेसली। बच्चों हमने 2015, 2016, 2017 तीनों के PYQ किए, और तीनों में हम देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि जिसको हम कर रहे थे सहायक संधि से रिलेटेड तीनों एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बच्चों चांसेस रहता है कि ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है, इसलिए सब्सिडियरी अलायंस। देखो अंग्रेजों ने बच्चों यहां पे बहुत सी पॉलिसी अपनाई थी, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बेड गवर्नमेंट, इस टाइप की पॉलिसी अपना के उन्होंने भारतीय राज्यों को कैप्चर किया। तो बच्चों सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको लेके हम चलते हैं आगे। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है बच्चों, द ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अलाय फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट्स। बच्चों जब इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रोटेक्टिंग अलाय जो होते थे यानी कि जिसमें सब्सिडियरी जिसके साथ हो जाती थी सहायक संधि हो जाती थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या पूछा गया कि रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग, यानी कि रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल थ्रीट्स यानी कि बाहर के जितने भी मामले थे यानी कि विदेश के जितने भी मामले होते थे, या जिस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी थी, डच कंपनी थी, या ब्रिटिश के अलावा और भी कंपनी थी उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो अलाय को वो क्या करते थे, रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो जिसके साथ संधि होती थी वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते थे। और दूसरा बच्चों इस समय जब ये सब्सिडियरी अलायंस की गई तो इसमें एक ही बात बोली गई सिंपल से लेवल पे कि सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग अगर आपने कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली तो उसके बाद आप किसी के साथ भी बिना कंपनी की इजाजत के कोई और संधि या और ट्रीटी नहीं कर सकते। तो बच्चों स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या दिखाई देती है, राइट दिखाई देती है। अब बच्चों इन्होंने पूछा है नोट ए फीचर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस कि कौन सा फीचर सब्सिडियरी अलायंस का नहीं है। तो बच्चों ए फीचर हमारे पास सब्सिडियरी अलायंस का है। अब बच्चों ऑल इंटरनल थ्रीट वर टू बी हैंडल्ड बाय द अलाय अलोन विद नो हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश। बच्चों इन्होंने क्या बोला कि सारे के सारे इंटरनल मामले जो होते थे उसको कौन हैंडल कर रहे थे, उसको ब्रिटिश जो जिसके साथ सहायक संधि कर रहा है, कोई राजा यहां का सहायक संधि कर रहा है तो ब्रिटेन इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन बच्चों अक्सर क्या होता था कि ब्रिटेन यहां पे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करता था। तो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, गलत रहेगी। अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द अलाय वाज टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फ्रॉम मेंटेनिंग ए ब्रिटिश आर्मीड कॉन्टेंजेंट स्टेशनिड इट्स टेरिटरी। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह हमारी राइट रहेगी कि जो आर्मी होती थी, जो ब्रिटिशर
अपनी आर्मी को रखते थे किसी राजा के पास उसकी सहायता के लिए, उसका सारा का सारा खर्च किसको उठाना होता था, सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग उसी राजा या उसी प्रशासन को उठाना होता था। बच्चों इसके बाद डी पे चलते हैं, द अलाय कुड नॉट इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह हमें क्या दिखाई देती है, राइट दिखाई देती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमारे साथ ट्रीटी कर ली इसके बाद आप किसी के साथ ट्रीटी नहीं करोगे हमसे बिना पूछे। तो बच्चों इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारे पास राइट आंसर निकल के आता है। तो बच्चों इसको आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन तीन साल 2015, 2016, 2017 रेगुलर रिपीट हुआ है। और रिपीट बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकता है अगली बार यहां पे दे दे वाज करेक्ट, कौन सा फीचर करेक्ट है, और नीचे ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी डी, एक दो तीन, एक सही, यस और नो, ऐसे फीचर दे दिए जाए। तो इससे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से ही आपके 9 से 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है ताकि आगे से रिपीट हो तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Who among the following is one of the author of the book Philosophy of the Bomb, कि भाई बम की फिलोसफी वाली बुक जो थी वो किसने लिखी थी। बच्चों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों देखो भगत सिंह ने तो ये फिलोसफी नहीं दी थी बम की फिलोसफी की, मतलब ऐसी बम की फिलोसफी के बारे में भगत सिंह ने कोई बात नहीं की थी। हम देखते हैं बच्चों भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर, इन लोगों ने असेंबली हॉल में बम फेंका या फिर इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, लेकिन बम की फिलोसफी जैसा इनका कोई काम नहीं था। और भगत सिंह तो खुद इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वो हिंसा की राजनीति में ट्रस्ट करते ही नहीं थे। बच्चों वो कहते थे कि हिंसा जरूरी है, बहरे लोगों को सुनाने के लिए बम जरूरी है, लेकिन ऐसी फिलोसफी उन्होंने नहीं दी। और जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल इसमें बच्चों गलत रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू तो है ही नहीं। अब देखो बच्चों सूर्य सेन योर यशपाल बच जाते हैं। बच्चों सूर्य सेन ने क्या किया था, एक्चुअल में सूर्य सेन ने भारत में एक आर्मी भी बनाई थी। और सूर्य सेन भारत के, जिस समय भारत को ब्रिटिश कंपनी रूल्ड कर रही थी, तो सूर्य सेन बंगाल में एक आर्मी बनाते हैं और आर्मी बना के खुद सूर्य सेन भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। बट बच्चों सूर्य सेन ने भी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नहीं लिखा था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका डी रहेगा, यशपाल। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अच्छा ये क्वेश्चन कब का था बच्चों, एनडीए 2017 फास्ट का ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। एक्चुअल में बच्चों इनमें जो तीन नेम है ये एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है, और एक नेम जवाहरलाल नेहरू का नेम जो है वो बच्चों हम देखेंगे कि पूरे उदारवादी यानी कि मॉडरेट से रिलेटेड है। बच्चों जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप बड़े लेवल पे सक्रिय दिखाई देते हैं। एक था एक्सट्रीमिस्ट का, जो आजादी के लिए क्या करना चाहता था, त्याग बलिदान की भावना देना चाहता था। और दूसरा ग्रुप था जो शांतिवादी यानी कि आंदोलनों के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से, जो कि शांति प्रिय रहते थे, जिसमें हिंसा नहीं होती थी, पूरी तरह नॉन वायलेंस होता था, उसको लेके वो क्या कहते थे कि हमें आजादी की लड़ाई लड़नी है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसको देखते हैं। बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चितगोंग ग्रुप इज नॉट करेक्ट। बच्चों इन्होंने पूछा चितगोंग ग्रुप्स के लिए ये कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो अब बच्चों इसकी जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स मेंबरशिप इंक्लूडेड ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ इंक्लूडिंग गणेश घोष, लोकेशनाथ बोल एंड अनंत सिंह। बच्चों ये स्टेटमेंट जो रहेगी ये करेक्ट रहेगी क्योंकि ये चितगोंग जो दुर्घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह राइट रहती है। इसके बाद बच्चों हम सेकंड को छोड़ के थर्ड पे चलते हैं। सूर्य सेन एंड हिज ग्रुप वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांग्रेस वर्क इन चितगोंग। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह इसके लिए राइट है, ये क्लोजली रिलेटेड थे चितगोंग से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने पूछा नोट करेक्ट कौन सी है, तो बच्चों सही कौन सी नहीं है वो हम करेंगे अभी। फोर्थ पे चलते हैं।
दिस ग्रुप हैड प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू ऑक्युपाई द आर्मर इन चित्तगोंग। ये भी बच्चों स्टेटमेंट राइट रहती है, तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट बचती है जिसको हम बोलते हैं बी। अब बी स्टेटमेंट को देखते हैं, इट्स लीडर सूर्य सेन हैड बीन ए लॉयर इन ढाका बिफोर ज्वाइनिंग द ग्रुप। बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। और बच्चों जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2017 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि 2017 के अप्रैल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये रहता है बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए का 2017 से रिलेटेड है, 17 के फास्ट पेपर से रिलेटेड है, 2017 का जो अप्रैल का एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों हम देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। बच्चों हमने भारत छोड़ो आंदोलन को कवर किया, और भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत में चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को हम देखते हैं कि 1940 से 1942 तक ये मूवमेंट हमारा चला, और अंग्रेजों को कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक्चुअल में बच्चों जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया तो वहां पे रीजन ये था क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए कि भाई जापान इस समय तक सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार यानी कि वर्मा और अंडमान निकोबार तक को कंट्रोल कर चुका था, जिसकी वजह से हमें भारत में चलाना पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि एक साइड से ब्रिटेन हारता जा रहा था और जापानी भारत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, तो हो सकता था कि ब्रिटेन जब भारत से निकले तो जापानियों के कंट्रोल में भारत आ जाए। इसलिए हम बच्चों यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपने आप को अलग दिखाने के लिए कांग्रेस ने भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसके लीडर रहे बच्चों महात्मा गांधी। इन्होंने एक्चुअल में बच्चों इसके लिए इन्होंने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में एक बड़ी लंबी स्पीच दी, जिसको हम पढ़ के भी गए, 70 मिनट की स्पीच दी गांधी जी ने इसी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके, और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ बच्चों। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जब हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, वीमेन डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, बच्चों ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, क्योंकि महिलाओं ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया था, पूरी तरह पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, डिड नॉट प्ले, कि महिलाओं का रोल अच्छा नहीं था, यहां पे महिलाओं ने रोल नहीं लिया, तो ये बच्चों पूरी तरह स्टेटमेंट हमारी गलत साबित होती है। सेकंड पे चलते हैं, नासिक इन महाराष्ट्र वाज एन इंपॉर्टेंट रीजनल बेस ड्यूरिंग द मूवमेंट, बच्चों ऐसा नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे भारत में चला था और महाराष्ट्र का नासिक अकेला नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी हमें पूरी तरह क्या दिखाई देती है, गलत दिखाई देती है। इसके बाद बच्चों जब हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे चलते हैं, इट वाज मार्केट बाय एंटी जमींदार वॉयलेंस, बच्चों ये भी गलत है कि एंटी जमींदार वॉयलेंस ये था, ऐसा नहीं है बच्चों। जमींदारों के खिलाफ ठीक है छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन बहुत से जमींदारों ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बच्चों इस समय तक भारत में मध्य वर्ग का उदय हो चुका था और मध्य वर्ग की टकराहट हो रही थी ब्रिटेन के साथ। उसके पीछे रीजन ये था कि जो मध्य वर्ग था बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था, और ब्रिटेन की कंपनी भी क्या कर रही थी, भारत में प्रॉफिट कमाने के लिए आई थी, तो दोनों में टकराव हो रहा था। तो बच्चों इसकी वजह से जमींदारों ने, बहुत से जमींदारों ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब बच्चों हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इट वॉज मार्केट बाय द एमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बच्चों मैंने बताया था कि इंडिया के बहुत से पार्ट में, बिहार में सरकार बनी, चीतल पांडे ने सरकार बनाई, या फिर मतांगनी जो कि एक विधवा महिला थी, 70 साल की महिला थी, उसने भारत का फ्लेग तक नीचे नहीं गिरने दिया और उसकी गोली भी लग गई। तो इस टाइप के हम देखते हैं कि अंग्रेजों के पैरेलल सरकार भारत में चलने लगी थी, तो हमारा डी ऑप्शन क्या रहता है बच्चों, पूरी तरह राइट ऑप्शन रहता है डी। अब बच्चों हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के पूछ लिया जाए और नीचे ऑप्शन दे दिया जाए 1, 2, 3, 4 की हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फिर ये 3 स्टेटमेंट सही नहीं रहेगी और 4 स्टेटमेंट हमारी सही रहेगी। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिस्क्राइब द खिलाफत मूवमेंट, बच्चों ये क्वेश्चन भी देखो
2015, 2016 और 2017 में फिर से रिपीट हुआ। एनडीए 2017 फास्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, यानी कि 2017 में इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया गया बच्चों। बट अब बच्चों इसका कैरेक्टर बदल गया कि इसका जो खिलाफत मूवमेंट है उसको कौन डिस्क्राइब नहीं कर रही, कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं कर रही, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। महात्मा गांधी सोट टू लिंक इट टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बच्चों ये स्टेटमेंट जो रहती है ये पूरी तरह सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया था, खिलाफत आंदोलन को, जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस मूवमेंट को पूरी तरह जोड़ दिया। किसके साथ? नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि असहयोग मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था। अब बच्चों क्यों जोड़ा गया था, इसके पीछे रीजन था, मैंने आपको बताया था कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बच्चों, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को सहयोग करना स्टार्ट कर दिया कि आजादी की लड़ाई हम मिलके साथ लड़ेंगे। और बच्चों यही वो टाइम था जिस समय एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का भी समझौता हो जाता है, यानी कि जब खिलाफत मूवमेंट या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी समझौता हो जाता है। एक्चुअल में 1907 में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हो जाता है बच्चों, पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस के पार्टीशन में एक ग्रुप निकल गया मॉडरेट और दूसरा ग्रुप निकल गया एक्सट्रीमिस्ट, जो कि हमने कवर किया। अब बच्चों जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी वो पूरी तरह राइट स्टेटमेंट रहेगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, कि कांग्रेस इसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। बच्चों ये बिल्कुल गलत गलत आंसर है। एक्चुअल में रीजन क्या है बच्चों, आंसर तो इसका यही रहेगा क्योंकि डज नॉट पूछा गया इन्होंने, तो आंसर जो हमारा रहेगा वो बी रहेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है पूरी तरह गलत है। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, बच्चों कांग्रेस ने पहले इसे सपोर्ट किया, इस खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट दी, लेकिन जब मालाबार में दंगे हो गए तो कांग्रेस ने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया, यानी कि इस मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट से अलग कर लिया। अब बच्चों इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट डिमांडेड दैट द टर्किश सुल्तान मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट स्पेस इन द ईस्ट वाइल ओटोमन एम्पायर। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह राइट है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट किसको लेके स्टार्ट हुआ था, टर्की को लेके स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहां पे ओटोमन साम्राज्य था और ओटोमन साम्राज्य का जो प्रमुख होता था उसको बच्चों खलीफा का दर्जा दिया गया था, और सारी जो मुस्लिम सरकारें होती थी उससे प्रमाण पत्र लेती थी। तो बच्चों जिस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने भी टर्किश खलीफा से प्रमाण पत्र लिया था, ओटोमन साम्राज्य के खलीफा से, या इल्तुतमिस ने भी प्रमाण पत्र लिया था, तो बच्चों ये स्टेटमेंट राइट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, इट वॉज लीड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह राइट रहती है, क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको लीड किया था। अब बच्चों यहां पे देखना कि खिलाफत मूवमेंट से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती, तो सेकंड करती है, फर्स्ट करती है और फोर्थ करती है, लेकिन बच्चों थर्ड स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करती। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर हमारा रहेगा यानी कि बी जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, कि कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया, तो बच्चों कांग्रेस ने इसे सपोर्ट किया था, इसलिए हमारा आंसर रहता है बी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2017 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि 2017 एनडीए अप्रैल से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ रेलवे इन द कॉलोनियल इंडिया। भाई ये देखो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और जब हम रेलवे को पढ़ रहे थे बच्चों तो हमने बात की थी कि रेलवे जब भारत में आई तो वो टाइम था 1853 का, 1853 का, बॉम्बे टू ठाणे या पुणे टू ठाणे रेलवे को चलाया गया बच्चों। और जब रेलवे भारत में आ गई तो बच्चों उसके फीचर कौन कौन से थे, और उसके फीचर वाज नॉट फीचर, इन्होंने देखो क्या पूछा, वाज नॉट ए फीचर ऑफ रेलवे, यानी कि कौन सा फीचर है जो उससे मेच नहीं करता। देखो बच्चों रेलवे जब भारत में आई और रेलवे के बारे में हमने पढ़ा, तो देखो रेलवे अंग्रेज लेके आए अपने आपूर्ति के लिए, यानी कि वो लोग क्या चाहते थे, यहाँ पे ट्रेडमैन थे और व्यापार करना चाहते थे, तो रेलवे भारत के इंटरनल एरिया में गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे जो इंटरनल एरिया था वहां पे भी टैक्स लगाया, और इंटरनल एरिया के सामान को भी कहाँ पहुंचाया, बंदरगाह पोर्ट तक पहुंचाया, और पोर्ट से उन्होंने
ट्रेड करके बाहर यानी कि ब्रिटेन में भेज दिया। दूसरा बच्चों, रेलवे का अंग्रेजों को प्रॉफिट क्या था? सबसे बड़ा प्रॉफिट यह था कि भारत में इस समय धीरे धीरे राष्ट्रवाद सक्रिय हो रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई स्टार्ट होने लग गई थी। झांसी में चल रही थी या सतारा, जेतपुर, संबलपुर, यहां पे अलग अलग राजा महाराजा या यहाँ की पब्लिक अलग अलग डिमांड कर रही थी आजादी के लिए। एक्चुअल में भारत उस समय एक ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में दिखाई नहीं दे रहा था कि भारत का मतलब पूरा का पूरा एरिया रीजन क्या है, बट इस समय अलग अलग जगहों में क्षेत्रीय आधार पे आजादी की लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी थी। तो रेलवे ने बच्चों भारत को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों के लिए रेलवे इसलिए वरदान साबित हुई कि जब भी कोई रिवोल्ट या कोई रिबेलियन या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होता तो अंग्रेज रेलवे के द्वारा अपनी मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भेज देते, जिससे उस रिवोल्ट या रिबेलियन को तेजी से दबा दिया जाता। अब बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि फीचर कौन सा फीचर है नहीं रेलवे का। तो बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या दिया गया, द मेन पर्पज ऑफ द सेटिंग अप ऑफ रेलवे इन इंडिया वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द अंपायर। बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भारत में रेलवे बिछाई गई तो 1865 तक रेलवे पूरी तरह घाटे में रही, बट जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहां पे जो कंपनियां थी अंग्रेजों ने कहा कि उनको 5% प्रॉफिट हम गारंटीड प्रॉफिट देंगे, 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए लाभांश गारंटीड दिया जाएगा। तो बच्चों 5% प्रॉफिट देखते हैं तो हमारा जो पहला ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल राइट रहेगा रेलवे को लेके। तो बच्चों ये फीचर तो था, लेकिन इन्होंने कौन सा फीचर नहीं है वो पूछ रखा है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर इनवाइटेड विद 15% गारंटीड इंटरेस्ट टू बी पेड इन नेसेसरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। बच्चों देखो मैंने बताया कितने परसेंट, 5%, तो यहां पे कितना बोल रहा है 15%, 15% का नहीं था बच्चों, 5% का यहां पे मैटर था कि रेलवे लाइन जो बिछाई जाएगी और जो कंपनी रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही है उसको 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बच्चों यहां पे 15% का रहेगा, ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब बच्चों हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, द कंस्ट्रक्टिव वर्क डिस्टर्बिड इकोलॉजी, कि भाई इन्होंने बोला कि वो इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही थी। तो बच्चों मैंने बताया था कि इन्होंने इकोलॉजी को किस प्रकार डिस्टर्ब किया, रेलवे पहाड़ों से, जंगलों से, नदी नालों, झरनों से, हर जगह से रेलवे निकली। और जब रेलवे जंगलों से निकली तो बच्चों उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती आदिवासियों को कैप्चर किया और आदिवासियों को कहा कि आप रेलवे लाइन बिछाइए, बंधुआ मजदूरी करवाई। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया बच्चों, जब जंगलों में रेलवे गई तो जंगलों के जो उत्पाद होते थे, जिस प्रकार शहद हो गया या जंगलों से लकड़ी हो गया जो कि आदिवासी रेगुलर बेस पे यूज करते थे, उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, इकोलॉजी सिस्टम को डिस्टर्ब किया था, ये आंसर बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम डी पे चलते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे वॉज प्लानड इन सच ए वे दैट इज कनेक्टेड द इंटरनल मार्केट विद द पोर्ट्स बट प्रोवाइडेड टू इंटरकनेक्शन बिटवीन इंटरनल मार्केट सिटीज। बच्चों ये भी स्टेटमेंट आपकी पूरी तरह राइट रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनल मार्केट को उसने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। रेलवे एक शहर से दूसरे शहर गई तो बीच में गांव भी बहुत होते थे। अब बच्चों अंग्रेजों की पहुंच पहले गांव तक नहीं थी, बट जब रेलवे निकली तो अंग्रेजों की पहुंच गांव तक भी बन गई और गांव के रॉ मटेरियल को भी अंग्रेजों ने खींच के कहां ले आए, पोर्ट तक ले आए, और पोर्ट से उन्होंने उस रॉ मटेरियल को भेज दिया ब्रिटेन में, जिससे क्या हुआ बच्चों, बड़े आधार पे हमारे यहां पे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन का बहिर्गमन हुआ, क्योंकि रेलवे के माध्यम से अंग्रेज रेलवे को लेके आए अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन बच्चों रेलवे ने भारत का भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट किया। अगर हम रेलवे के भारत के लिए प्रॉफिट की बात करें तो भारत को रेलवे ने यह प्रॉफिट किया कि भारत को एकता के सूत्र में रेलवे ने बांध दिया। अब बच्चों कलकत्ता से दिल्ली भी रेलवे लाइन जा रही थी, दिल्ली से लाहौर भी जा रही थी, और लाहौर से बॉम्बे भी आ रही थी या सिंध एरिया में भी आ रही थी। तो इससे भारत एक यूनिटी में दिखाई देने लगा। और दूसरा बच्चों, जब रेलवे लाइन की डिस्कवरी पंजाब में की जा रही थी, यानी कि इसको रेलवे लाइन को बिछाने के लिए वहां पे रूट को डिस्कवर किया जा रहा था, तो इसी क्रम में बच्चों भारत की सबसे महान सभ्यता जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921-22 में सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई हड़प्पा के पास से, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आप बोलते हो। तो बच्चों ये सभ्यता मिली, तो अंग्रेज हमें कहते थे कि हम आपको महान बनाने आए हैं, यानी कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, बट बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पहले से ही सभ्य थी। तो अब हमारे जो राष्ट्रवादी यहां पे थे
उन्होंने कहा आप हमें कैसे महान बना सकती हो, हम तो बहुत पहले से ही महान थे। और जब बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग कहते हैं कि हम लोग पहले से ही महान थे, बट हमारा डिक्लाइन फेज आया जिससे हमारी सभ्यता डिक्लाइन कर गई। तो बच्चों हमें इसका राइट आंसर क्या मिलता है, राइट आंसर हमें मिलता है बच्चों इसका बी, यानी कि स्टेटमेंट कौन सी हमें करनी है, नोट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार कुल मिला के जो ये क्वेश्चन हमने किए, इन क्वेश्चन से आपके करीब करीब 40-50 क्वेश्चन बनते हैं, बट इन क्वेश्चन को आपको जो नोट करेक्ट है उसको यस करेक्ट करके लेना है और जो यस करेक्ट है उसको नोट करेक्ट करके लेना है और फिर इनकी स्टेटमेंट को देखना है। तो बच्चों अगली बार स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है और स्टेटमेंट को चेंज करके क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन को करने के बाद आपके 8 से 10-15 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं जो कि आपको कवर करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे, और इसके बाद हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर इसी टाइम इवनिंग 8 PM।